जी जी मेरा नाम एचके खरे है। आज ओरछा में नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति थी और यह यज्ञ 24 तारीख को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। आज इसकी पूर्णाहुति थी। इस यज्ञ का विशिष्ट उद्देश्य आज ये था कि यहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा माँ गायत्री की, शिव परिवार की, माँ दुर्गा की, साथ साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान यहाँ पर किया गया कि गायत्री चेतना केंद्र पर एक ऐसा केंद्र स्थापित हो, एक ऐसे युवा वर्ग को हम जोड़ सकें जो सद्विचारों को संकल्पित होकर के जन जन तक पहुँचाने का कार्य करे। गायत्री परिवार है क्या? गायत्री परिवार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी महोदय के द्वारा स्थापित एक मिशन है, एक संस्था है जो पूरे विश्व में काम करती है। 5000 से अधिक शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और हमारे चरण पीठ देश विदेश में स्थापित हैं जो हर जगह अध्यात्म के और विज्ञान के समन्वय का काम करती है। साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण हैं या आपके नशा विरोधी अभियान हैं, साथ साथ आपके दहेज प्रथा विरोधी है, ऐसे तमाम अभियानों, सप्त आंदोलनों से जो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने प्रारंभ किए थे उनको हाथ में लेकर के पूरे विश्व में चल रही है। आजकल हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और हमारी शैल दीदी और हमारे भैया चिन्मय जी पूरे विश्व में हमारे गायत्री परिवार का जो संदेश लेकर के जा रहे हैं, जन जन में अलख जगा रहे हैं कि जीवन शैली को ऐसी करिए जिससे किसी को दुख संताप ना हो। गायत्री मंत्र का आप अगर डेली जो है आप उच्चारण करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां तक इस गायत्री मंत्र के साधना से दूर हो जाती हैं। गायत्री परिवार में कौन आ सकता है, कौन पात्र है? गायत्री परिवार में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, यदि वो यहाँ पर उपासना साधना करता है, मिशन के बताए हुए सिद्धांतों को, नीतियों को मानता है, वो यहाँ पर आकर के गुरु दीक्षा ले सकता है, यहाँ पर आकर के हवन में बैठ सकता है। कहीं कोई किसी में बंदिश नहीं है, हमने सभी धर्मों के लिए खोल के रखा है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंची नीच का भाव नहीं है, ऐसा हमने रखा है। यहाँ पर कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है कि आपको लाना है, आपकी इच्छा है, आप जो अंशदान करना चाहें, जो तन मन धन से सहयोग करना चाहें उसमें आप स्वतंत्र हैं, उसमें कहीं कोई बंदिश नहीं होता है।